हेलो फूडीज, वेलकम टू अवर फूड वर्ल्ड। तो आज मैं लेके आई हूँ मैंगो कलाकंद की रेसिपी। हम एक आम से एक किलो कलाकंद कैसे तैयार कर रहे हैं और वो बिना मावा और बिना घी के। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आम, लिए हैं जो मैंने काट के रख लिया है, एक गिलास दूध लिया है, एक कटोरी में मैंने नारियल का बुरादा, एक कटोरी चीनी, साथ में मैंने फूड कलर लिया है येल्लो कलर का ताकि कलर अच्छा आ जाए। दूध आप फुल क्रीम ही लीजिए क्योंकि फुल क्रीम दूध से बहुत अच्छा बनने वाला है ये मैंगो कलाकंद। इस मिठाई को बनाने के लिए आम एकदम पका हुआ लीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। मैंने देखिए कितनी मलाईदार वाला दूध लिया है, आप भी ऐसा ही लीजिए। इससे क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा और स्वादिष्ट भी बहुत लगेगा। अब जब तक दूध उबल रहा है हम मिक्सर जार में आम को पीसने के लिए रख देते हैं। देखिए आम मेरा मीठा है तो मैं उसी हिसाब से मीठा डाल रही हूँ। आपका अगर कम मीठे वाला आम है तो आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मिक्सर जार को बंद करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आम देखिए कितने अच्छे से पिस चुका है। अब साथ के साथ दूध को भी हम चेक करते रहेंगे, दूध भी अच्छे से उबल रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लास्ट तक इसे देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इस रेसिपी का। तो मैंने एक कटोरी नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल दिया है। इससे क्या है, कोकोनट का फ्लेवर जब मुंह में आएगा बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छे से देखिए मैं इसमें दूध में मिक्स कर रही हूँ। चीनी भी यहाँ पर मैंने एक कटोरी डाल दी है। आप आम के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोकोनट डालना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या है जो कलाकंद में जो दाना बनेगा वो कोकोनट से ही बनकर तैयार होगा। तो आप कोकोनट ज़रूर डालिए, उसका स्वाद भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो देखिए अब इसके अंदर हम मैंगो का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसके अंदर पेस्ट डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैंगो का पल्प है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये बाज़ार में बहुत ही महंगी मिलने वाली मिठाई है। आप बाज़ार में अगर मैंगो कलाकंद लेंगे तो वो बहुत महंगे दामों में मिलेगा और घर पर ये बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। आप इजीली बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही झटपट बन जाता है। अब मैं यहाँ पर कलर के लिए फूड कलर डाल रही हूँ, येलो कलर। अब देखिए धीरे धीरे इसमें दाना बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए दाना बनना अब देखिए शुरू हो चुका है। बस अभी इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए और हमारी बर्फ़ी के लिए बिल्कुल अच्छा सा ये बैटर बनकर तैयार हो जाए। अब बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है ताकि ईजिली हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे गाढ़ा कर रही हूँ और कितने अच्छे दाना भी हमारा तैयार हो रहा है। इसका फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंगो का अब सीज़न है, मैंगो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप एक बार इस मैंगो कलाकंद को घर पर ट्राई कर देखिए। देखिए मैं लगातार सिम पर ही इसे चला रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे करेंगे तो इसके छींटे पड़ सकते हैं, तो आप स्लो पर ही इसे रखिए और धीरे धीरे इसे ऐसे लगातार चलाते रहिए। अब जब तक ये बन रहा है तब तक हम क्या करते हैं, प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। जिस प्लेट के अंदर आपको इसे जमाना है आप उसे ग्रीस कर लीजिए। आप किसी और बर्तन में रखना चाहते हैं तो उसमें भी इसे ग्रीस पहले कर लीजिए। इससे क्या है, बहुत आसानी से हमारे पीसेस बनकर तैयार होंगे। मैंने देखिए प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और साथ ही साथ देखिए ये जो हमारा बैटर है कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम प्लेट पर डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ मैंगो कलाकंद बनाने का। ना तो इसके अंदर मावा का ज़रूरत है, ना ही हमें कुछ और ज़रूरत है। बहुत आसान तरीके से दूध और आम से मैंने ये रेसिपी बनाकर तैयार कर दी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लास्ट तक देखते रहिए और देखिए कैसे ये मेरी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए अब ये कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। चारों तरफ से देखिए अच्छे से इसे सेट कर दिया है। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जो पसंद है आपको वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ और देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे फैला दिया है चारों तरीके से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ, वो भी मैंने देखिए लगा लिया यहाँ पर। तो अब इसके मैं पीसेस के लिए ऐसे इसके अंदर निशान लगा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली आपकी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर एक बार ट्राई कर देखिए, बहुत ही झटपट बन जाती है और लगती भी बहुत लाजवाब है।
मैंने यहाँ पर इस मिठाई में वही सब चीज़ें ली हैं जो घर पर इजीली मिल जाती हैं और बहुत ही आसान तरीका भी लेके आई हूँ। ज़्यादा समय आपको लगेगा भी नहीं और ये बिल्कुल नए तरीके का मीठा है। आपने कभी मैंगो कलाकंद नहीं खाया हो तो आप घर पर इसे बनाकर देखिए। अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर आती रहती हैं। आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए और मेरी इंस्टा आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नई नई रेसिपीज़ आती रहती हैं। तब तक आप मेरी इस रेसिपी को इन्जॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि नई नई अपडेट्स पर आती रहती हैं और नई नई रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।